नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2024 के लिए धनु राशि का संपूर्ण राशिफल लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यदि आपका नाम ये यो भा भी भू ध फ ढ अथवा भे से प्रारंभ हो रहा हो तो आप निश्चित रूप से धनु राशि के जातक हैं। और यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और वर्ष 2024 के लिए अपना संपूर्ण राशिफल प्राप्त कीजिए। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य, वर्ष 2024 के लिए धनु राशि के जातकों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस वर्ष के प्रारंभिक स्थिति में अर्थात जनवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य लगभग मध्यम स्थिति का रहेगा। न तो आपका स्वास्थ्य खराब ही दिखेगा, न तो बहुत अच्छे ही दिखेंगे। औसत तरीके से, लगभग सामान्य तरीके से आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। इस समय आप किसी संक्रमण के शिकार हो सकते हैं, कोई न कोई इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, अन्यथा मौसम के बदलाव के कारण मौसम से संबंधित समस्या भी आपको घेर सकती है। धूम्रपान से परहेज करें, अन्यथा स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। मई से अगस्त माह के बीच की बात करें तो यह महीना शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अत्यंत उत्तम रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति आलस्य करने से शरीर का वजन बढ़ सकता है। इसलिए आलस्य मत कीजिएगा, वॉकिंग करिए, योगासन कीजिए। स्वास्थ्य पर अत्यधिक खर्च तथा अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम भी इस वर्ष दिखाई दे रहा है। यदि आप लापरवाही किए तो कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसके कारण आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और आपका खर्च बढ़ सकता है। इसके अलावा लीवर के फैटी होने तथा पेट में पानी जमा हो जाने की समस्या हो सकती है। मधुमेह का खतरा बढ़ सकता है। ज्यादा मीठा मत खाइए, इस वर्ष आपको डायबिटीज होने की आशंका जताई जा रही है। सितंबर से दिसंबर माह के बीच की बात करें तो आपको अपना स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रखने का अवसर प्राप्त होगा, अर्थात आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य सोचेंगे। अक्टूबर से नवंबर माह के बीच की बात करें तो आप स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए जिम तथा व्यायाम भी कर सकते हैं, जिससे आपकी सेहत में निश्चित रूप से सुधार होता दिखाई देगा। आप शुरू में परेशान होंगे, फिर धीमे धीमे करके आपकी बुद्धि खुलेगी, आप व्यायाम करने लगेंगे, जिम करने लगेंगे, सेहत में सुधार होने लगेगा और दिसंबर होते होते आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा। पारिवारिक जीवन, वर्ष 2024 में धनु राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ में अर्थात जनवरी से अप्रैल तक के बीच में पारिवारिक जीवन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। भाई बहनों के रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव देखना पड़ सकता है, साथ ही परिवार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देगी। इस वर्ष काम की व्यस्तता को हटाते हुए अपने परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। यदि आप परिवार के लिए समय नहीं निकालते हैं तो आप उपेक्षित हो जाएंगे। फरवरी तथा मार्च का महीना कुछ तनावपूर्ण होना है। फरवरी मार्च में आपके जीवन में कुछ ना कुछ तनाव अवश्य आएगा, साथ ही घरेलू खर्च बढ़ने के कारण पारिवारिक स्थितियां भी बिगड़ सकती हैं। खर्च बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। मई से अगस्त माह के बीच की बात करें तो आपकी वाणी में कड़वाहट हो सकती है, जिससे पारिवारिक जीवन में तकरार और तनाव बढ़ सकता है। इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। यदि वाणी में कड़वाहट हुआ तो बात बिगड़ सकता है। धीरे धीरे परिवार की परिस्थितियां बदलने लगेंगी, अर्थात अगस्त के बाद से धीमे धीमे परिवार की स्थितियां बदलने लगेंगी। जून में माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट होगा, जिससे आपको उनका उपचार करने के लिए इधर उधर भागना पड़ सकता है। खर्च अधिक बढ़ेगा, इसलिए भी आपके मन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। सितंबर से दिसंबर महीने के बीच की बात करें तो पारिवारिक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपको धैर्य पूर्वक काम करना होगा, धैर्यता से वातावरण को संभालना होगा। अक्टूबर नवंबर में पारिवारिक शांति आएगी, जिससे रिश्तों में आगे बढ़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। वर्ष के अंत में पारिवारिक दृष्टिकोण से अच्छा समय दिखाई देने लगेगा, अर्थात दिसंबर में लगभग
आपके पारिवारिक जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हुआ होगा सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा। शिक्षा, वर्ष 2024 में धनु राशि के जातकों के शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जनवरी से अप्रैल माह के बीच धनु राशि के विद्यार्थी जातकों की बुद्धि अत्यंत तीव्र होगी, जिससे ज्ञान प्राप्ति करने की इच्छा बढ़ती जाएगी। अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में स्वतः ही अच्छे परिणाम दिखाई देने लगेंगे। फरवरी से अप्रैल माह के बीच शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता दिखाई देगा और स्थितियां सामान्य होती जाएंगी। मई से अगस्त माह के बीच की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अत्यधिक उत्साहित होकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे, पूरी तरह से एकाग्रता ले आएंगे। विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करने वाले जातकों को इस वर्ष सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह समय अर्थात मई से अगस्त के बीच का समय अत्यंत शुभ एवं अनुकूल है। पीएचडी और स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों को अपने शिक्षकों तथा गुरुओं का सहयोग निश्चित रूप से प्राप्त होगा, जिससे वे आगे बढ़ सकेंगे। सितंबर से दिसंबर माह के बीच की बात करें तो शिक्षा में आप अत्यधिक परिश्रम करने के बाद ही सफल हो पाएंगे। यह समय थोड़ा सा मेहनत करने वाला समय होगा। आप यदि मेहनत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी जातकों को इस वर्ष विशेष सफलता प्राप्त होगी। सितंबर माह में शिक्षा के क्षेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। इस वर्ष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तथा शिक्षा शास्त्र से जुड़े विद्यार्थियों को सफलता के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके अलावा विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का सपना वर्ष के अंत में निश्चित रूप से पूर्ण होगा। व्यापार, वर्ष 2024 में धनु राशि के जातकों के व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष का प्रारंभिक समय अर्थात जनवरी से अप्रैल तक का समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होगी तथा सरकारी क्षेत्रों से सफलता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। वर्ष के प्रारंभ में उत्तम लाभ प्राप्त होगा। अप्रैल माह में कुछ व्यावसायिक चुनौतियां मिल सकती हैं। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए रास्तों का चयन करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपके कैरियर के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। मई से अगस्त माह के बीच की बात करें तो यह वर्ष शिक्षा, बैंक तथा खाद उद्योगों से जुड़े विद्यार्थी जातकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस वर्ष कार्य क्षेत्र में बदलाव आएगा तथा विदेश जाकर व्यापार करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद व्यापार क्षेत्र में निश्चित सफलता प्राप्त होगी। जून तथा जुलाई माह में व्यापारिक कार्यों को लेकर थोड़ी असंतुष्ट हो सकते हैं। ऐसे में कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त हो सके। सितंबर से दिसंबर माह के बीच की बात करें तो इस समय किसी प्रकार का व्यापारिक निर्णय लेने से बचें। सितंबर से अक्टूबर माह में साझेदारी में किए गए काम में आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। यदि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो सितंबर अक्टूबर के महीने में विशेष लाभदायक होगा। इस समय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई उत्तम उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह समय अत्यंत उत्तम होगा। इस वर्ष किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे व्यापार में उन्नति प्राप्त होने में उनका सहयोग प्राप्त होगा। दिसंबर माह का प्रारंभिक समय अर्थात दिसंबर का पूर्वार्ध समय कर्ज चुकाने के लिए अत्यंत उत्तम होगा। आपके जितने भी कर्ज होंगे इस समय वे चुकता हो जाएंगे। नौकरी, यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो इस वर्ष आपके लिए अत्यंत उत्तम स्थिति बनने वाली है। अधिकारी वर्ग से आपको लाभ प्राप्त होगा, साथ ही साथ प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। राजनीति, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वर्ष 2024 में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी, लेकिन तनाव भी बढ़ेगा। स्वाभाविक सी बात है कि यदि आप सफल होते हैं तो आपके इर्द गिर्द आपके अड़ोसी पड़ोसी जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाएंगे, जिससे आपका तनाव बढ़ता जाएगा। लेकिन साहस और धैर्य बनाए रखें, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। आपकी पार्टी के द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है।
आर्थिक जीवन। वर्ष 2024 में धनु राशि के जातकों के आर्थिक समृद्धि की बात करें तो वर्ष का प्रारंभिक समय अर्थात जनवरी से अप्रैल तक का समय बिल्कुल अनुकूल होगा। यह समय लाभदायक होगा, लेकिन इस बीच आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता न कीजिएगा, इन चुनौतियों के बाद भी आप सफल होंगे। फरवरी से अप्रैल माह के बीच की बात करें तो कुछ आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी। यदि आप पहले से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो उन समस्याओं में कमी आएगी। साथ ही साथ सही निर्णय लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाने में भी सक्षम होंगे। मई से अगस्त माह के बीच की बात करें तो इस बीच आर्थिक खर्च में वृद्धि होगी। यह समय आर्थिक स्थिति के लिए अनुकूल समय नहीं होगा। कुछ खर्चों पर इस वर्ष नियंत्रण पाने में सक्षम होंगे, कुछ अनावश्यक खर्च रुक जाएगा। इस वर्ष आपको अपनी आमदनी तथा खर्च में वित्तीय संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा आर्थिक क्षेत्रों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जून तथा जुलाई माह में धन निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट या सट्टा से धन कमाने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है। सितंबर से दिसंबर माह के बीच की बात करें तो इस माह आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने में जोखिम उठाना पड़ सकता है। इस पूरे माह धन का आवागमन होता रहेगा, परंतु खर्चे भी लगातार बने रहेंगे। ऐसे में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करें। साथ ही साथ वर्ष के अंत में किसी भी तरह का निवेश करने से बचें। यदि वर्ष के अंत में अर्थात नवंबर दिसंबर के महीने में यदि आप कोई निवेश करते हैं तो उसमें आपको हानि हो सकती है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रेम जीवन। वर्ष 2024 में धनु राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध की बात करें तो वर्ष का प्रारंभिक समय अर्थात जनवरी से अप्रैल का महीना आपके अनुकूल होगा। आपका प्रेम संबंध चरम पर होगा। इस समय आप अपने प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखने में सक्षम होंगे। इस बीच आपके व्यवहार में उग्रता बढ़ सकती है। ध्यान रखिएगा, आपको उग्र नहीं होना है, क्योंकि उग्रता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जिससे रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। फरवरी से अप्रैल माह का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस बीच आपके प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। इसके अलावा साथी के साथ रोमांटिक पल भी व्यतीत हो सकते हैं। मई से अगस्त माह के बीच की बात करें तो इस समय प्रेमी जातक विवाह के बंधन में बंधने का निर्णय ले सकते हैं। इस बीच आप अपने प्रेम जीवन को लेकर काफी उत्सुक होंगे, साथ ही अपने साथी को खुश करने का भी प्रयास करते रहेंगे। इसके अलावा अपने रिश्ते को लेकर आप अत्यंत भावुक भी हो सकते हैं। सितंबर से दिसंबर माह के बीच की बात करें तो यह समय प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अक्टूबर माह के बाद आपके प्रेम जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अपने साथी के स्वास्थ्य को लेकर इस माह में चिंतित हो सकते हैं। वर्ष के अंत में आपके प्रेम जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नवंबर दिसंबर में आपके प्रेम जीवन पर कोई बुरी दृष्टि आ सकती है। ऐसे में अपने रिश्ते को संभालने का प्रयास करें और बोलते समय अपनी वाणी के साथ साथ अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण रखें। यदि आपकी वाणी बहक गई, भावनाएं बहक गए तो बात बिगड़ सकता है। वैवाहिक जीवन। वर्ष 2024 में धनु राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन की बात करें तो वर्ष के प्रारंभ में अर्थात जनवरी से अप्रैल माह के बीच में वैवाहिक जीवन के लिए कुछ कमजोर स्थितियां दिखाई दे रही हैं। दांपत्य जीवन में जीवन साथी के साथ तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आपके व्यवहार में उग्रता के कारण आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है, इसलिए व्यवहार में उग्रता बिल्कुल भी ना लाएं। इस समय वाद विवाद करने से बचें, अन्यथा रिश्तों में तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। मार्च माह के मध्य में जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य समस्या को दूर करने का प्रयास करें तथा वाद विवाद से दूर रहें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के ऊपर भरपूर ध्यान दें। मई से अगस्त माह के बीच की बात करें तो यह समय दांपत्य जीवन के लिए अच्छा होगा, उत्तम होगा। जीवन साथी के मध्य तनाव दूर होंगे तथा रिश्तों में प्रेम बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। जीवन साथी के साथ की गई बातें आपके दांपत्य रिश्तों को संभालने में मदद करेंगी। इस वर्ष अपने जीवन साथी से खुलकर बात करें, अपने रिश्तों में आई गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें। सितंबर से दिसंबर माह के बीच की बात करें तो दांपत्य जीवन में
रिश्ता धीरे धीरे करके सामान्य हो जाएगा। वर्ष के अंतिम माह में अर्थात नवंबर दिसंबर के आसपास की बात करें तो आप खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझकर उनकी खुशी का ख्याल रखते हुए वर्ष के अंत में अपने दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाने में सक्षम होंगे। कुछ आवश्यक उपाय। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 में अपने जीवन काल के प्रतिकूल समय को अपने अनुकूल बनाने हेतु कुछ छोटे छोटे उपाय भी कीजिए। क्या क्या उपाय करेंगे? शनिवार के दिन काले तिल का दान करें, अपने मस्तक पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं, बृहस्पति का व्रत रखें, नियमित रूप से बृहस्पति की बीज मंत्र का 108 बार अर्थात एक माला जाप करें। बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करके उस पर जल चढ़ाएं, ये सब आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वर्ष 2024 के लिए धनु राशि की संपूर्ण राशिफल प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह राशिफल आपको पसंद आई होगी। यदि यह राशिफल आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी धनु राशि के जातकों तक पहुंचाइए जिससे कि वे भी वर्ष 2024 के लिए अपना राशिफल प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर मकर राशि के संपूर्ण राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।